ये है जी हमारी न्यू कल्टस। मैं कौन कौन सा किस कंपनी का ऑयल यूज ये मैं करता करवाता हूँ? हूँ शेल वालों का। ये हालत इस टाइम हुई है मेरी गाड़ी की। ये जी हमारी गाड़ी एंटर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आया हूँ सुखी मोटर्स अपने घर के पास जो है। मैं आज इसकी गाड़ी की वैगन आर की ट्यूनिंग करवाऊँगा, प्लस इसका ऑयल चेंज करवाना है और एयर फिल्टर इसका चेंज कराना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ मैं कौन कौन सा किस कंपनी का ऑयल यूज़ करता हूँ, पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये मैं करवाता हूँ शेल वालों का ऑयल। इस कंपनी का मैं यूज़ काफ़ी टाइम से मैं इस कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। और जो मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ गार्ड का, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो मैं एयर फिल्टर यूज़ करता हूँ वो मैं इस कंपनी का करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, पूरा अपॉइंटमेंट लेते हैं जाके, फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपको आज वैगन आर की पूरी ट्यूनिंग दिखाएंगे, मिलते हैं अंदर जाके। ये है जी हमारी सुजुकी मोटर्स और अभी हम जा रहे हैं अंदर, ज़रा रेट्स लेते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह सारी वैगनर की ट्यूनिंग दिखाएंगे आज। ये है सुजुकी मोटर्स, ये इनका कार वॉश एरिया और ये एक टेस्ट कार खड़ी हुई है। तो मिलते हैं अंदर जाके, फिर बात करते हैं आप। ये जी हमारी गाड़ी एंटर हो रही है। बाकी आपको दिखते हैं इसका फुल सर्विस कैसे होगी आज। ये हालत इस टाइम हुई है मेरी गाड़ी की, आंधियों की वजह से मिट्टी मिट्टी निकल रही है गाड़ी। तो वॉश भी करवाएंगे, तो थोड़ी देर तक मिलते हैं आप लोगों से। सबसे पहले इसको हवा मारी जा रही है। अच्छा, तो प्लग इसके हो गए हैं चेंज, बस इसकी एक और सर्विस वगैरह होगी, तो सफाई के लिए गया हुआ है जो यहाँ पे लगती है। तो बाकी प्लग इसके थे नए, और इसके अलावा फिल्टर अभी चेंज होना है, अभी ऑयल चेंज होना है, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ट्यूनिंग इसकी हो गई है और अब इंशाल्लाह थोड़ी देर तक इसका ऑयल चेंज होगा। बाकी एयर फिल्टर इसका सही था, रिपेयर नहीं हुआ, और बाकी थोड़ा सा काम इसका रहता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका अब ऑयल चेंज होगा और ये जी अब गाड़ी ऊपर हो रही है और इसके बाद इसका ऑयल चेंज होगा। ये जी नीचे से गाड़ी की मेरी हालत है इस टाइम। अच्छा, तो ये है जी हमारी गाड़ी की नीचे से हालत, और अभी ऑयल चेंज होगा। और अभी ये जो जगह है ना, ये वो कह रहा है कोई चीज़ लीक हो रही है ऑयल ना, गेयर ऑयल। तो अभी ये मैंने इसको कहा है बताओ कितने पैसे लगेंगे, तो इंशाल्लाह ये भी आज करवा के जाते हैं, क्योंकि ये ना हो कि रास्ते में ख़राब हो जाए। ये इसका ऑयल चेंज हो रहा है। और इसके बाद फाइनल काम ख़त्म हमारा, और फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं बाद में। बहुत अच्छी गाड़ी है, और कभी भी चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये वाली गाड़ी देंगे। इसके अलावा ये है ऑल्टो, ये भी कल्टस, और ये है हमारी वैगन आर। काफ़ी टाइम से मैं चला रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अभी चेंज करेंगे तो कल्टस पे हम मूव करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये इस टाइम भी हमारी गाड़ी को लगा हुआ कंप्यूटर चेक हो रहा है,
ये देखिए, अगर कोई भी मसला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनल है ये हमारा, इसके पास हमारा काम ख़त्म। ओके चलें जी, गाड़ी ओके हमारी, और अब हम फाइनल बात करके इनसे बाहर जा रहे हैं। अच्छा तो गाड़ी हमारी फाइनल रेडी हो चुकी है, सारे काम हो गए, बस एक काम रह गया है जो मैं कल करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह ये हमारी गाड़ी आ गई है, क्योंकि यहाँ से वो थोड़ा सा महंगा पड़ा, तो वो मैं अपने दोस्त की वर्कशॉप है एक से करवाऊँगा, और वो पार्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद। अच्छा तो ये गाड़ी हमारी चल चुकी है 1,06,000 कुछ, तो इस पे आज मैंने ट्यूनिंग करवाई है, और मोस्टली मैं 3,000 से ऊपर ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, जो कि मैंने 97 पे करवाया था लास्ट, उसके बाद मैंने अब करवाई है। मैक्सिमम 3,000-3,350 पे मैं ना ऑयल चेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि होता है तो 5,000 लीटर के लिए है, 5,000 किलोमीटर के लिए है, लेकिन मैं 3,000 पे इसका चेंज करा लेता हूँ। इससे ये होता है कि आपका इंजन ना अच्छा रहता है। और काम शाम हो गया मेरा, और अब मैं जा रहा हूँ घर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।